हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मुगलाई एग पराठा। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा गूंध लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। हमने आटा गूंथ लिया है, अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। हमने एक बोल में 4 अंडे लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अंडों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पराठों का घोल तैयार है। ये देखिए, आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें से मीडियम साइज़ के बोल्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने तैयार किए हुए आटे में से 5 मीडियम साइज़ के बोल्स बना लिए हैं। अब हमने जो अंडे का घोल लिया है उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब रोलिंग सरफेस पर सूखा आटा डस्ट करके इस तरह से हम इसकी रोटी बना लेंगे। हमारी तैयार की हुई रोटी के सेंटर में ऐड करेंगे पराठे का घोल और केयरफुली इसे चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है तो इस साइज़ के 5 पराठे बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। पराठे को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल अच्छे से गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें पराठा ऐड करेंगे। एक तरफ से गोल्डन हो जाए इसके बाद हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है। अगर इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अंडे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पराठा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे तेल में से निकाल कर बाकी के पराठों को भी मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे जो पराठे हैं वो बाहर से कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है क्योंकि हमने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। तो हमने इसमें जो अंडे ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो खाने के लिए तैयार है मुगलाई एग पराठा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।